किले की प्राचीर से मोदी ने पिछली बार वादा किया था कि वो काले धन पर नकेल कसकर रहेंगे, और इस बार मोदी ने जब चौथी बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया तो फिर बारी थी अपने किए हुए वादे को पूरा करने की। और मोदी ने जनता के सामने काले धन पर उठाए कदम के फायदे को एक एक कर बताया और पूरा ब्यौरा दिया कि नोटबंदी से सरकार ने क्या खोया और क्या पाया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक बड़ा अहम काम, उसको हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद पहला काम किया था SIT बनाने का। आज 3 साल के बाद मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, गर्व से बताना चाहता हूं, 3 साल के भीतर भीतर करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा काला धन को हमने खोल दिया है, उसको पकड़ा है और उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। उसके बाद हमने नोटबंदी का फैसला किया। नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जो काला धन छिपा हुआ था उसको मुख्य धारा में आना पड़ा। और आपने देखा होगा कि हम कभी 7 दिन 10 दिन 15 दिन बढ़ाते जाते थे, कभी पेट्रोल पंप पर, दवाई दुकान पर, कभी रेलवे स्टेशन पर पुरानी नोट लेने का जारी रखते थे, क्योंकि हमारा प्रयास था कि एक बार जो भी धन है वो बैंकों में एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए। और उस काम को हमने सफलतापूर्वक पार किया। और इसका कारण यह हुआ है, अभी जो रिसर्च हुआ है, करीब 3 लाख करोड़ रुपया ये सरकार ने रिसर्च नहीं किया है, बाहर के एक्सपर्ट ने किया है। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचना पड़ा है, और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। नए काले धन पर भी बहुत बड़ा रुकावट आ गई है इस वर्ष। इसका परिणाम देखिए, 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख, पिछले साल उसी अवधि में यह संख्या सिर्फ 22 लाख थी, डबल से भी ज्यादा। ये कारण काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचान लिया गया है जिनकी आय उनके हिसाब किताब से कुछ ज्यादा है, बेशुमार ज्यादा है, और इसलिए ये अंतर का उनको जवाब देना पड़ रहा है। 4.5 लाख लोग इसमें से अब मैदान में आए हैं, अपनी गलती स्वीकार करके रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में इनकम टैक्स का नाम भी नहीं सुना था, ना इनकम टैक्स किया था, ना कभी उस पर उन्होंने सोचा था, लेकिन आज उनको वो करना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाए तो 2400 घंटे उस पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती हैं, अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, न जाने क्या क्या होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे, और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख, कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने करके दिया। आप हैरानी होगी, कुछ तो सेल कंपनियां ऐसी हैं
जो एक ही एड्रेस पर 400 कंपनियां चल रही थी। भाइयों बहनों, 400 कंपनियां चल रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, सारी मिली भगत चल रही थी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी, देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए, देश के नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए।